इस फिल्म के किरदार में ख़ास बात यह है कि आई विल गेट टू परफॉर्म अ लॉट, और एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी बात होती है अगर उसके कैरेक्टर में बहुत सारे शेड्स हों तो आपको एक तरह से आपकी भूख मिट जाती है फॉर बीइंग एन एक्टर. सो दिस कैरेक्टर इज़ रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, इसके काफ़ी शेड्स हैं और स्टोरी भी बहुत वंडरफुल है, प्लस इट्स हॉरर, आई लव हॉरर मूवीज. सो यस, आई एम थ्रिल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवी and our director is awesome, so I'm just looking forward to work with him. आपने दोनों मीडियम में काम किया है, छोटे पर्दे पर, अब बड़े पर्दे पर है, क्या डिफरेंस महसूस करती है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों जगह सेम ही है, आप पर डिपेंड करता है हाउ यू टेक इट. ओके सर, आपसे जानना चाहूंगा एज अ बिजनेसमैन थे आप पहले, तो क्या आपको अट्रैक्ट किया फिल्म्स की तरफ, अगर कुछ बताएं और किरदार के बारे में थोड़ा सा बताएं. एक्चुअली एक्टिंग मुझे बचपन से ही बहुत इंस्पायर करती थी. कहीं ना कहीं अगर मैं बिज़नेस में भी एंटर हुआ तो बॉलीवुड को लेके ही एंटर हुआ था. मुझे एक दिन मुंबई आना था और आज मैं आपके सामने हूँ. और जहाँ तक करेक्टर की बात है, इसमें ये करेक्टर मेरी पर्सनल लाइफ से बहुत मैच करता है, बहुत ज़्यादा मैच करता है, क्योंकि इसमें भी मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और आई थिंक मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी ये करेक्टर निभाने में. इट्स अ गुड. इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है? अभी मैंने इसके अलावा 4 फिल्म साइंस की है, इसमें कर्तव्य है एक, और बॉस डीके है, चक्रव्यूह है और द लॉन्गेस्ट नाइट है. 4 फिल्म साइन किए, जो इसके बाद उनका रेगुलर बैक टू बैक शूट है. मैं रेगुलर शूट में रहूँगा 2019. होप सो कि चीज़ें अच्छी हो. सर, इन दिनों जो है वेब सीरीज़ और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो आपने ऐसा कुछ प्लान किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए? आई हैव डन रिसेंटली वन फिल्म कॉल्ड गर्णिका फॉर एन ऐप कॉल्ड उल्लू, which is getting launched soon. वो किया है और एक और फिल्म की है जिसका नाम हम डिसाइड कर रहे हैं विद शावर अली एंड खालिद सिद्दीकी. सो इट्स गोना बी आउट सून टू. एंड रेस्ट आई एम डूइंग म्यूजिक, मेकिंग म्यूजिक एंड डूइंग व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू. सो टुडे ओनली इन फैक्ट आई रिकॉर्डेड माई अपकमिंग ट्रैक सोलो. सो येस, म्यूजिक इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ एंड दिस. आपका जो लास्ट एल्बम था उसको लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी था लेकिन अप्रिशिएट किया गया. यस, कितने खुश हैं और क्या कॉमेंट? आई एम वेरी हैप्पी, मैंने पहली बार ट्राई किया अपना सोलो गाना निकाला और उसको लोगों ने इतना पसंद किया. ट्रोलिंग इज ओके, इट डजंट मैटर, बट लोगों ने उसे देखा वो मैटर करता है, लोगों ने उसे पसंद किया वो मैटर करता है, एंड आई एम रियली हैप्पी. इट्स बीन लॉन्ग टाइम यू आर देयर इन द इंडस्ट्री और अभी जो है मी टू कंट्रोवर्सी चल रही है, तो वो पुरानी हो गई है. हैव यू फेस एनीथिंग? वो पुरानी हो गई है. एनीथिंग यू वुड लाइक टू से अबाउट? नो, आई डोंट वांट. ओके सर, आप बताइए मी टू कंट्रोवर्सी चल रही है? नहीं, वो सब पुराना है, मैं अभी नया हूं इस इंडस्ट्री में, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं 2019 में. मैं कहां फंसा रहे हो अभी? लड़का यहां पे आके बैठा है मी टू डायरेक्ट. अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो अभी स्टार्ट करने दो यार. सारा, इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जैसे आपने कहा कि वेब सीरीज भी आने वाली? Yes. Yes, yes, I'm myself making a short film too, जिसकी बहुत ही beautiful love story है जो कि soon आएगी बाहर, और उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी it's in the process. Okay, इस particular film की बात करें, कितनी preparation की आपने किरदार को लेकर? See now, since हमें अब script मिलने वाली है, so we will be getting inside the character and yes, it's not difficult to get into a character. अगर आप उसको जीना शुरू कर देते हो तो आप ऑलरेडी घुस ही जाते हो उस कैरेक्टर में. सो वी बिलीव इन लिविंग द कैरेक्टर. सो यस, एज यू सेड कि भूषण एंट्री करने वाले हैं बॉलीवुड में, तो उनके साथ किस तरह का कोऑर्डिनेशन है, किस तरह? सी, अभी मैं पहली बार मिली हूँ इनको, बट ये केमिस्ट्री आपको ऐसे ही नहीं दिखेगी, ये बहुत फन हो जाएगी क्योंकि अभी हमारी पहले बात भी नहीं हुई है, अभी जब एक आप से बात कर रहे. सो यस, इट विल बी फन, मजा आएगा. भूषण, आप बिजनेसमैन भी हो और आप फिल्म में एंट्री करने वाले हो, कैसे मैनेज करने वाले हो दोनों चीज़ें? एक्चुअली मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो मैं टाइम मैनेजमेंट मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है एज अ मोटिवेशन. मैं लोगों को सिखाता हूँ हाउ टू मैनेज द टाइम, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अब मैं एक नई इंडस्ट्री में एंटर होने वाला हूँ, और मैं 3-4 इंडस्ट्री में ऑलरेडी हूँ,
तो टाइम मैनेजमेंट करना मेरे लिए अच्छा रहेगा और आई लाइक इट, कि मुझे पसंद है कि मैं मल्टीपल काम करूँ। और सारा के बारे में मतलब क्या सुना था आपने और हाँ, से काम करने मैंने इनके म्यूजिक, मैं टीवी तो नहीं देख पाया मगर मैंने म्यूजिक वीडियो देखे हैं इनके, शी इज ग्लैमरस। थैंक यू म्यूजिक वीडियो देखा है, ये नोट करना भाई मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट वो है, because music is what is my passion is and I've just started doing, so I'm thankful. Thank you so much. Okay, प्यार आप सबको, होली भी, दिवाली, न्यू ईयर है, क्रिसमस, रंगीला। एक्चुअली जो मेरा इसमें किरदार है वो कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल लाइफ से बहुत इंस्पायर करता है, क्योंकि मैं खुद बिजनेसमैन हूँ और इसमें भी एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर का मैं रोल निभा रहा हूँ। तो ये समझ लीजिए कि जो प्रेपरेशन है वो तब से है जब से मैं अपने बिजनेस फील्ड में हूँ, मैं बिजनेस फील्ड में पिछले 11 साल से हूँ, तो कहीं ना कहीं इस मूवी की प्रेपरेशन भी मैं शायद 11 साल से ही कर रहा हूँ और अभी स्क्रिप्ट में हमारे हाथ में आ गई है, तो जो आगे का होगा वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा और आई एम प्रिपेयर्ड मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली। ऐसे क्या चीज़ थी जो आपको फिल्म की तरफ खींची? मेरा एक ड्रीम था एक्टर बनना, बचपन से ही मेरा एक ड्रीम रहा है और कहीं ना कहीं इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने अपनी इंजीनियरिंग की और इतने सारे बिजनेस प्लेटफॉर्म पर मैं आया ड्यू टू दिस। अब मैं एक्टिंग के लिए प्रिपेयर हूँ और मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और हर तरीके से आई एम प्रिपेयर फॉर दैट। सर आपसे जानना चाहूँगा जी, क्या होने वाली है फिल्म, सबको बताइए कि क्या कुछ होने वाला है फिल्म में, एक तरफ ये एक उस प्रकार की स्टोरी है जिस तो मैंने कि सोल ऑफ द नेचर, मैंने लवली सोल ऑफ द नेचर ऑफ दिस मूवी, जो हर किसी के व्यक्ति के पास जो ना कभी ना कभी ऐसा होता है यार एक तरफा जो है, चाहे हमारे हो आप में हो, तो उसी बेस पे ये एक स्टोरी है। हम ज़्यादा कुछ इस पे हम ओपन नहीं करना चाहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अच्छा बने हर चीज़ें। हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, एक्टर हैं, काफ़ी मेहनती हैं, सारा जो है मेहनती है, सब लोग अपने अपने करेक्टर और भूमिकाओं में निभा रहे हैं। वेरी हिट, वेरी हिट इन द फ्यूचर। फाइनलाइज नो फाइनलाइज मीन्स आया कॉन्सर्ट पे भूषण जी को मैंने बोला, भूषण जी आप मेन उसमें हैं, आप आइए करते हैं। भूषण ने पूछा, मैंने हाँ इट्स ओके, फिर सारा को लाइक, तो दोनों का पेयर मैंने कॉन्सेप्ट में है, नो मैंने कि इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने कि रखा गया हो या कुछ, वैसा कुछ नहीं। टेन ईयर्स से उस लाइन में, पहली फिल्म नहीं है, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, काफ़ी कर लिया फाइनेंसर में, मगर ये फिल्म की जो कहानी है वो मुझे अच्छी लगी और ये मेरे भाई है, ये भी मेरे भाई है, तो एक हम एक परिवार है, कोई टीम नहीं है, तो करते हैं। जैसे मैंने सर को पूछा था दोनों के पैर कैसे फाइनलाइज किए गए, ये तो हमारे भाई है, मगर सारा के लिए हम लोग एक दिन बैठे थे, बातचीत कर रहे थे हम लोग, ये हम लोग की रिलीज के लिए हमारी तैयारी ये है, हम अप्रैल या मई फर्स्ट वीक तक इसको रिलीज कर देंगे और ये आउटडोर है अहमदाबाद, जैसलमेर, भुज में, बॉम्बे में नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे आखिर में ऑडियंस से? बस आप लोग आए, अच्छा लगा, और क्या चाहिए, बस आप लोग हमारे पे ध्यान रखें, हम आप पे ध्यान रखेंगे।